हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा होस्टल स्टाइल में, इजी रेसिपी। मैंने 1 केजी गाजर लिया और उसे अच्छे से धो ले, जो रूट साइड के पार्ट्स है आप उसे काट ले। एक बाउल लेना है, उसमें हम अपने सारे गाजर को गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे। थोड़ी पतली काटनी है, इसी तरह सारे गाजर को काट। मेरा 1 केजी गाजर कट के रेडी है। आप चाहे तो इसे घस भी सकते हैं, मगर मैं इजी रेसिपी बता रही हूँ। मेरा फुल फैट मिल्क है, ये मैंने 1 केजी मिल्क लिया था, जिसे मैंने धीमी आंच पे 1/2 केजी के अप्रॉक्स सुखा लिया है। मैंने 50 ग्राम घी ली है गाजर को फ्राई करने के लिए, ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट और फ्लेवर के लिए। कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम उसमें घी डालेंगे। घी सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। घी गर्म होने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लें। थोड़ी रेड रोस्ट करना है, आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ कलर के लिए रेड रोस्ट कर रही हूँ। हमारा फ्राई हो चुका है, इसे किसी भी बाउल में रख दें। अब उसी सेम कढ़ाई में अपने गाजर को हम लोग फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। सभी गाजर को अब इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़े देर चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम तक, और इसे धीरे धीरे पकाते पकाते हमें रेड रोस्ट करना है। जिससे क्या होगा, गाजर जो है भूनने के बाद, घी में अच्छे से मिलने के बाद वो पानी छोड़ेगा, जिससे हमारी गाजर जो है पक जाएगी। जब तक हमारा गाजर फ्राई होता है, हम अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो ठंडा हो चुका है फ्राई के बाद, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप किसी भी साइज़ में काट सकते हैं या फिर बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को काटूंगी और कुछ छोड़ दूंगी डेकोरेट करने के लिए। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख। गाजर को मैंने ढक दिया था 15 मिनट के लिए, जिससे क्या होगा, गाजर पानी छोड़ देगा। अब ढक्कन हटाएंगे, देखेंगे गाजर अच्छे से पानी छोड़ चुका है और थोड़ा सा सीज चुका है। देख ले आप, थोड़े छोटे 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 टुकड़ों में काट के अब इसमें हम धीरे धीरे करके सभी दूध को डाल ले, जो हमारा 1/2 केजी दूध है इस, और मीडियम फ्लेम पर पकाएँ। दूध जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मावा का टेस्ट आएगा, मतलब दूध का टेस्ट आएगा। आप ऊपर से भी मावा डाल सकते हैं। इसी तरह दूध में इसे पकने दें, कम आंच पे रखें। और अब मैं 4 मैंने इलायची के दाने लिए हैं और पूरा 1 इलायची लिया है, जिससे अच्छा थोड़ा फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर इलायची को डाल देंगे और थोड़े देर तक चलने देंगे। दूध हमारा धीरे धीरे सूख चुका है। स्वाद के अनुसार आप चीनी ले सकते हैं। मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है और इसमें हम धीरे चीनी को मिक्स करेंगे। दूध थोड़ा सूख जाए तभी आप चीनी मिक्स करें, और चीनी जब मिक्स करेंगे तो चीनी जब गलती है तो भी गाजर थोड़ा पकता है। और धीरे धीरे इसे मिलाएं। अब देखिए हमारा गाजर का हलवा बनके रेडी। गैस बंद करेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है हम हलवा में मिक्स करेंगे, जो गर्म की वजह से थोड़े ड्राई फ्रूट जो है वो पक जाएंगे और सोनापन टेस्ट आएगा फ्राइड होने की वजह से। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़े देर तक हलवा को ठंडा होने दे। उसके बाद किसी भी बाउल में आप इसे निकाल ले। बाउल में निकालने के बाद जो ड्राई फ्रूट बचे थे उसे भी हम मिक्स करेंगे। रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व। आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं। इजी रेसिपी है।